combination aromatic combination ठीक है। तो aromatic combination का मतलब क्या है, मैंने बताया ना, whenever we adjust two lenses such that we can convert the colorful image in a वापस किसमें कन्वर्ट कर रहे हो आप, व्हाइट ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट कॉम्बिनेशन इज अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये चीज लिख लो, whenever two lenses are adjusted such that the focal length such that we can convert the colorful object into the white object that combination is achromatic generally it is the combination of converging and diverging lens for the removal of chromatic aberration ठीक है। कहने का मतलब ये है भाई कि आपने जैसे यहाँ पे ये देखा था कि एजेस से रे पास हुई थी, तो यहाँ पे ये कौन सा लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक डाइवर्जिंग लेंस लगाओ, ठीक। इसकी अगर मैं फोकल लेंथ कहूँ F1 है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, है ना। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जैसे मैंने एक कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस को बिल्कुल अटैच कर दिया, अब ऐसा पहले तो ये चीज दिमाग से क्लियर कर लेना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसको अटैच करें, ठीक है। पर अगर मान लो आपने कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाया, तो फिर क्या लिखोगे, हमें बताया कि इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी F2 है, ये कौन सा हो चुका है, डाइवर्जिंग लेंस, कौन सा हो चुका है, डाइवर्जिंग। तो ये आ जाएगा 1/F equivalent = 1/F1 + 1/F2, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या चीज बताई थी, इसमें कल अपन ने क्या देखा था कि एब्रेशन का मतलब क्या होता है, FV - FR / FY, जो उसकी आती है किसकी, मीन लाइट। तो अपन ने ये चीज देखी थी, FY का मतलब तो हो गया फोकल लेंथ, और FV - FR का मतलब क्या होता है, जो चेंज इन फोकल लेंथ होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर डिस्पर्सिव पावर, वही तो आई, डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या हुआ, ओमेगा जो आता है वो क्या आता है, FV - FR / F × Y, या यूं कह सकते हो आप DF। फिर मैंने बाद में एक और चीज बताई थी आपको, चेंज इन फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ का जो रेशियो आता है वही किसके इक्वल आता है, डिस्पर्सिव पावर की, ये बताया था। तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, अब मुझे बताओ, अगर मैं ये चाहता हूं कि DF / F निकालूं तो क्या कर दूंगी, इक्वेशन ए है, तो आप इस इक्वेशन ए डिफरेंशिएट पार्शियल, अब आप लोग तो जानते हो मैं कैसे करते हैं, क्या है माना 1/F df1 F2, अगर मैं यहां पे कहूं हम ये चाहते हैं, ये क्या है, ये देखो इसको अगर आप कहोगे तो ऐसे लिखोगे ना कि -df / F equivalent / F equivalent, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि -ωequivalent / F equivalent, ये तो लिखोगे इक्विवेलेंट डिस्पर्सिव पावर। आप क्या चाहते हो कि वो जो क्रोमेटिक है वो हट जाए, इसका मतलब नेट डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाए, भाई FV - FR क्या होना चाहिए, चेंज क्या हो जाना चाहिए,
जीरो को कलरफुल ऑब्जेक्ट नहीं दिखने चाहिए। तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं फॉर रिमूवल ऑफ क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ओमेगा इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, जीरो, क्या एफ ई माइनस एफ आर बटे एफ जो आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए ना, ताकि इन दोनों की जगह केवल एक ही फोकल लेंथ बन रही होगी। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ये हमने देखा जब इक्वेशन बी को हम देखेंगे तो इक्वेशन बी बनती है फ्रॉम इक्वेशन बी ये आ रहा है माइनस ओमेगा इक्विवेलेंट बटे एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा माइनस ओमेगा वन अपॉन एफ वन माइनस ओमेगा टू अपॉन एफ टू, दिख रहा है क्या कुछ, ये क्या लिखा मैंने ओमेगा वन का मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा डी एफ वन अपॉन एफ वन और ये ओमेगा टू क्या हो गया डिस्पर्सिव पावर डी एफ टू बटे ये आएगा। तो मैंने यहाँ एफ वन स्क्वायर आ रहा था तो उसको डी एफ वन अपॉन एफ वन को क्या लिख दिया ओमेगा वन और उसको भी डी एफ टू अपॉन एफ टू को ओमेगा टू और एक एफ वन और एफ टू बचे हुए तो दो लिख दिया। अब आप इसको जीरो करना चाहते हैं तो जीरो करोगे तो क्या जाएगा जीरो इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वन अपॉन एफ वन माइनस ओमेगा टू अपॉन एफ टू। तो यहां से क्या है ओमेगा वन एफ वन इज प्लस ओमेगा टू एफ टू इज इक्वल टू, तो अगर हमारे से बोला जाए कि एक कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ इतनी है, आपको उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वायलेट और रेड लाइट के दे रखे थे, दूसरी वाले के लिए भी वायलेट और रेड लाइट के दे रखे हैं, तो फिर आपको अगर फोकल लेंथ पूछी जाए तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ज़्यादातर एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, वो क्या पूरा कॉम्प्रेंशन करवाएंगे, ठीक है, रिजल्ट पूछेंगे और फिर उसके बाद फाइनली आंसर पूछे जाएंगे। अब जैसे मैं कोई बताओ ओमेगा वन की वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू वी माइनस म्यू आर बटे म्यू आई माइनस वन जो अपन ने उसमें देखा था किसमें प्रिज्म के अंदर, या ओमेगा टू क्या लिखोगे, क्या जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बटे म्यू आई डैश माइनस वन, क्या जाएगा म्यू आई डैश, ठीक। तो अब यहाँ पे मैंने कितना ईजी है ओमेगा वन ओमेगा टू अगर नहीं होगा या इन दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे, एक ही फोकल लेंथ पता होगी दूसरे की अपने को क्या करनी होगी निकालनी, और हमें पता है दूसरे वाले की अपने आप नेगेटिव आएगी, कारण ये पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा और ये जब इधर की तरफ जाएंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे नेगेटिव, इससे ये पता लगता है कि एक कन्वर्जिंग लगाओगे तो दूसरा क्या होना चाहिए डाइवर्जिंग। पर चलो ये तो हमने देख लिया है कि जब हमारे को कुछ बिल्कुल सटा गया, अगर हमने यहाँ पे दो लेंस को लगाया तो ये कॉम्बिनेशन होगा, पर मान लो मैंने तो ये लगाया, कभी कभी ये वाला भी दे देते हैं कि मान लो कि हमने जो लगाया वो कुछ इस टाइप का है, कैसा है ये डी, ये क्या हो गया एफ वन, ये क्या हो गया एफ टू, अब क्या करेंगे तब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हमें पता है वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट बताया था मैंने, वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू माइनस डी बाय एफ वन एफ टू, क्या करना है कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करो पार्शियल डिफरेंशिएट करो, तो माइनस वन अपॉन एफ इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डी एफ वन, क्या जाएगा माइनस वन अपॉन एफ वन का स्क्वायर डी एफ वन प्लस यह आएगा माइनस वन अपॉन एफ टू का स्क्वायर डी एफ टू माइनस डी, क्या आएगा देखो ये आएगा माइनस वन अपॉन एफ वन स्क्वायर डी एफ वन बाय एफ टू प्लस क्या जाएगा माइनस वन अपॉन एफ टू स्क्वायर डी एफ टू डिवाइडेड बाय एफ वन, यही तो आने वाला है, समझ में आया भाई, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा तो लगा दिया। अब क्या करना है, ये तो हमें पता है क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो करेंगे तो क्या आ गया माइनस ओमेगा वन अपॉन एफ वन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस ओमेगा टू अपॉन एफ टू, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस डी, क्या बन रहा है देखो यह आ जाएगा माइनस ओमेगा वन बाय एफ वन एफ टू, ठीक है माइनस ओमेगा टू अपॉन एफ वन एफ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अभी सॉल्व करते नोट करो जल्दी, चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास ओमेगा अपॉन एफ वन
देखो यहां से माइनस कॉमन हुआ तो माइनस माइनस क्या जाएंगे प्लस क्या आ जाएगा ओमेगा अपॉन एफ1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन एफ2 इज इक्वल टू डी अपॉन एफ1 एफ2 क्या जाएगा ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अब ध्यान से देखो एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा ओमेगा 1 एफ2 प्लस ओमेगा 2 एफ1 डिवाइडेड बाय F1 F2 is equal to D upon F1 F2 omega 1 plus omega 2 ये से क्या होगा कैंसिल क्या जाएगा omega 1 F2 plus omega 2 F1 divided by omega 1 plus omega 2 is equal to ये रिजल्ट ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो आपका फिनिश हो गया लेंस का ठीक। अब आज अपन देखेंगे वो थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने आप लोगों को पहले बीच में स्किप किया हुआ था जैसे रेनबो का फॉर्मेशन ठीक है दूसरा स्कैटरिंग एक थर्ड जैसे सन का रेडिश वगैरह दिखना ये वाला पार्ट फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हमेशा वही चीज़ें देखते हैं जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे दिखाती है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो कि मैं आपसे कहूँ एक सीधी सी बात कि वाइट ऑब्जेक्ट है तो हम उसमें रेड लाइट दिलाते हैं तो क्या दिखेगा क्या हो जाएगा वो रेडिश हो जाता है। क्यों हो जाता है क्योंकि जब हमारे पे कोई लाइट गिरती है तो हम जो कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं वो कलर ही हमें दिखता है। जैसे आप लोग अगर देख पा रहे हो वाइट कलर तो मेरे पे गिर रही है सारी लाइट मैं सारी लाइट को क्या कर रहा हूँ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ इस वजह से आप लोग क्या देख पा रहे हो वाइट कलर। अगर आप ब्लैक कलर देख पा रहे हो इसका मतलब सारी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है दैट्स व्हाई वी कैन सी द ब्लैक ऑब्जेक्ट। तो इसके जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं अच्छे खासे जो मतलब एक टेक्निकली नहीं पर ऐसे क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि क्या होते हैं वो आज अपन पढ़ रहे हैं। तो लिखो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ठीक है। देखो ज्यादातर रेनबो जो होता है वो कब बनता है रेनबो क्यों बनता है क्योंकि जब लाइट वाटर ड्रॉप से गुजरती है तो वहां पे क्या होता है रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने की वजह से किसमें रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने की वजह से क्या हो जाता है वहां पे स्प्लिटिंग हो जाती है। अब वो स्प्लिटिंग होने के बाद रिफ्रैक्शन की वजह से होता है तो वो लाइट जो वाइट लाइट जब स्प्लिट हो जाती है कलर्स में तो उनका अंदर वो कुछ इस एंगल पे इंसिडेंट होती है कि क्या हो जाता है क्या होगा बताओ वहां पे क्या हो जाता है अंदर की तरफ एक बार टी आई आर हो जाता है फिर वो वापस से रिफ्रैक्ट होकर बाहर आ जाती है और जब हमारी आंखों पर गिरती है तो वहां पर क्या दिखते हैं हमें रेनबो यानी सेवन कलर्स दिखते हैं ठीक है। और ऐसा कब होता है जब लाइट कब होनी चाहिए देखो ज्यादातर क्या होता है जैसे मान लो कि मैं आपसे सीधी सी बात कहूँ मैं इधर देख रहा हूँ तो लाइट सन भी मेरे इधर ही होना चाहिए बिहाइंड द ऑब्जर्वर अगर सन होगा तो यहाँ से लाइट आएगी ड्रॉप से क्रॉस करेगी। अब देखो ऐसा होता है जैसे मान लो ये मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस बना देता हूँ है ना तो यहां से ये आके हो गई मेरी तो ये हमारा प्राइमरी रेनबो बनता है क्यों क्या होता है यहाँ से लाइट आ रही है जब वो लाइट यहाँ पे गिर रही है और जब वो इधर आएगी रिफ्लेक्ट हो तो ये तो हमें क्या दिख रहे होंगे सेवन कलर्स दिख रहे होंगे। अब देखो होता क्या है जैसे ये हमारी ड्रॉप हो गई ठीक अब अपन इधर की तरफ ही है यहाँ से लाइट आई ये जर्नी पैरेलल आप ऐसे दिमाग में क्लियर मत रखना कि आप पैरेलल लाइट गिर रही है तो पैरेलल जर्नी की जाए पर आप मुझे एक चीज बताओ ये यहां से हिट करेगी
क्या होगा, नॉर्मल किधर बनेगा, ये नॉर्मल हो गया, सेंटर से पास होगा, क्या होगा, रेडर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरह बेंड हो जाएगी, ठीक है। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, इधर भी नॉर्मल बना दिया है ना, तो इधर भी नॉर्मल बना देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, अब यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सी सेकेंडरी वाली सरफेस, वो क्या हो जाता है, ये ज्यादातर रहता है। देखो अगर आप निकालोगे तो कितना आता है, साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ, है ना, 1/μ करोगे तो देखो कितना होता है, 4/3 होता है ना, तो साइन आई सी इज इक्वल टू 3/4, तो कितना आता है, 3/4, 0.75 तो आता है, पर उसकी आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आपने पढ़ा होगा कि साइन 53 डिग्री की वैल्यू 0.8 होती है, 4/5 होता है ना, तो 53 कितना हो गया, 4/5 यानी 0.8 यानी 50 के आसपास मान लो आप तो, है ना, क्योंकि 1/√2 0.707 होता है, तो 50 के आसपास एंगल होता है, तो 50 के आसपास एंगल होने के बाद अगर ये वाला एंगल 50 से ज्यादा हो गया तो यहाँ क्या जाता है, TIR हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या बनाओगे, ये नॉर्मल बना दिया, जानी ऐसे चाहिए थी, ठीक, क्या हो जाएगी नॉर्मल से आगे। अब उसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग ऐसे होती है कि ये यहाँ से ये कलर बन गया, कौन सा कलर, स्मॉल डेविएशन किसका होगा, लार्ज डेविएशन किसका होगा, कैसे पता करेंगे भाई, भाई क्योंकि लैम्डा जिसका ज्यादा उसका म्यू कम, और जिसका म्यू कम उसका डेविएशन भी कम, तो रेड का डेविएशन कम होगा और वायलेट का ज्यादा होगा, तो यानी मैं कहूंगा तो यहाँ पे क्या कहना चाहिए मुझे, कि ये नॉर्मल बना रखा है तो डेविएशन किसका ज्यादा आएगा किसका कम आएगा, तो कौन सा बताएंगे, ये वाला रेड होगा और ये वाला क्या होगा, वायलेट, क्योंकि ये जानिए से चीज थी, कम डेविएशन वाली तो रेड होगी, ज्यादा डेविएशन वाली वायलेट होगी। अब ये गिरी तो इसका भी क्या हो जाएगा, TIR हो गया, ये भी ठीक, फिर इसका भी नॉर्मल बनाया तो ये दोनों, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये तो रेड कलर दिख रहा है और ये वाला क्या दिख रहा है, वायलेट। इस वजह से जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो 7 कलर्स दिख रहे होते हैं उसमें ऊपर वाला तो रेड होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमेशा रेनबो कैसा दिखता है हमारे को, ऊपर वाला रेड कलर दिखता है, नीचे वाला क्या दिखता है, वायलेट कलर। तो मुझे बताओ, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो का मतलब कितने रिफ्लेक्शन हुए, एक दो, दो रिफ्लेक्शन और एक टोटी आई आर, है ना। तो अगर अपने से पूछा जाए कि प्राइमरी रेनबो बनता है तो कारण क्या होता है उसके पीछे, जब लाइट ऑब्जर्वर इस ढंग से होते हैं कि सन ऑब्जर्वर के पीछे हो, सन से आने वाली लाइट जब दो बार रिफ्रेक्शन और एक बार TIR करके कहां पे आंखों की तरफ गिरती है, तो वहां पे जो रेनबो दल रहेगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी। अब सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी के अंदर वही चीज क्या हो जाती है, दो बार सेकेंडरी के अंदर देखो कैसे हो जाएगा, ये वाली चीज लाइट यहां से गई, ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, नॉर्मल आपने बना दिया, होगा क्या, स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, तो वो क्या होगी, जानी ऐसे चीज थी ऐसे चलेगी, ठीक है ना, ये ऐसे गई, फिर यहां पे क्या बनाओगे, नॉर्मल, फिर वापस से ये दोनों लाइट ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे इनके लिए क्या बनाए, नॉर्मल, फिर यहाँ पे क्या होगी, बाहर निकलेगी तो ये अवे निकल जाएगी, तो ये वापस से आपकी आंखें खुली होगी। तो सेकेंडरी रेनबो जो बनता है वो भी तभी बनेगा, पर उसमें क्या हो जाएंगे, अब रिफ्रैक्शन कितने हो रहे हैं, एक रिफ्रैक्शन, दो रिफ्रैक्शन, और दो क्या हो रहे हैं, TIR, तो इसे तो बोलते हैं अपन क्या, सेकेंडरी रेनबो, और इसे क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी रेनबो, है ना। अब इसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हमारे को, यहां से तो क्या होना चाहिए, सन, है ना, ये यहां से इधर की तरफ सन होगा, ऑब्जर्वर भी क्या होना चाहिए, ठीक, पर ये इसके क्या होना चाहिए, बिहाइंड, सन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर के बिहाइंड, यहां पे भी वही है। इसमें क्या हो रहा है, टू रिफ्रैक्शन और 1 TIR, ठीक है, यहां क्या हो रहा है, टू रिफ्रैक्शन और 2 TIR, ठीक, और ज्यादातर ये एंगल कितने आते हैं, 48 डिग्री से ज्यादा, ठीक है ना।
अब वो आप निकाल सकते हैं कि कितने होंगे क्या होंगे। तो पहले इसमें कुछ पॉइंट्स लिखो। रेम्बो इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रेम्बो इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो दूसरा अपन देख रहे हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग तो जानते ही हो आप, क्या होता है? मतलब हर डायरेक्शन में, जैसे मैं आपसे कहूँ मान लो अपन ने कोई ज्यादा, जैसे समझ लो कोई मान लो आपने बॉम्ब वगैरह चलाया, तो थोड़ी देर बाद इसी पर अपने को आवाज आती है। तो क्या हुआ, बॉम्ब चला तो उसने सारी डायरेक्शन में अपनी आवाज को भेजा। जैसे लाइट अगर एंटर होती है, लाइट इंसिडेंट होती है, तो क्या होती है, हर एक डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू, है ना। तो उसके रीजन से अपन देखेंगे कि स्काई का कलर जो होता है वो ब्लू क्यों होता है। तो इसमें लिख लो स्कैटरिंग, ये नोट कर रहे हो, करो जल्दी। स्फीयर में से अगर आप कोई पार्ट निकालोगे तो सर्किल ही तो निकालोगे भाई। अपना जो आंख रही होगी वो गोल रही होगी ना, उसमें से आप पपिल देखते हो तो सर्किल ही तो दिखता है, तो उसका सर्किल का जो डायमीटर होगा। तो जैसे जैसे लेंथ है यू है, तो ये ऊपर की डीवर टू जो है ना वो ब्लैक पॉलिश के वाला आधा डायमीटर, तो कैसे मतलब आधा नीचे वाला ब्लैक पॉलिश कर दो, ये नीचे वाला, हां वो अपर्चर हाफ हो गया। चलो लिखो, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए पार्टिकल, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन स्मॉल पार्टिकल इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड सेंट इनटू ऑल डायरेक्शन, सेंट इनटू ऑल डायरेक्शन, this is called scattering, this is called scattering, according to Rayleigh criteria, जो मैंने आपको बताया था ना कि a is equal to a plus b upon lambda square वाला है ना, हाँ कोची वाला। स्कैटरिंग भी क्या होती है, लैम्डा की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेलिंग क्राइटेरिया वो तो कोची फॉर्मूला होता है, ये रेलिंग क्राइटेरिया क्या होता है कि स्कैटरिंग जो होती है ना वो लैम्डा की पावर 4 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी कम स्कैटर्ड होगा, जिसकी कम वेवलेंथ होगी वो ज़्यादातर क्या होते हैं ज़्यादा स्कैटर। तभी तो आपने देखा होगा कि सन का, जैसे अगर मान लो अभी ज़्यादातर अभी देखना जनवरी का टाइम जब आएगा थोड़ा मौसम खुलने लगेगा, या फिर बारिश का टाइम जो आएगा जिसके अंदर मौसम थोड़ा खुलता है तो रेडिश हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ रेड जो होगी उस टाइम की स्कैटरिंग हो रही होती है। पर शुरुआत में अगर मैं आपसे कहूँ दिन के टाइम पे जब आसमान खुला रहता है तो ज़्यादातर कैसा दिखता है ब्लू, क्योंकि उनकी देखो वो रेडिश तो इतना डार्क दिखेगा नहीं दिखेगा पर वो जरूर दिखेगा ब्लू। कारण इसके पीछे उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, एज यूजुअल स्कैटरिंग वो ज़्यादा शो कर रहे होंगे, यानी वायलेट इंडिगो और ब्लू। इस वजह से येलो लाइट के पहले वाला ज़्यादा स्कैटरिंग शो करता है, इसलिए जो रेडिश वाला पार्ट आता है ना वो बहुत कम टाइम के लिए दिखाई देता है और दिन भर हमारे को क्या दिखाई दे रहा होता है,
ब्लू वाला वायलेट दिखाई देना चाहिए था क्या सेवन यू इन्वर्स वैसा है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो ज्यादा दिखाई दे रहा है हां तो फिर तो वो दिखाई देना चाहिए था ना सर रेड एक्चुअल में क्या होता है कि जब यहाँ से स्कैटरिंग हो रही होती है तो स्कैटरिंग होने के बाद क्या होता है कि जैसे मान लो ब्लू लाइट हो गई या इंडिगो लाइट हो गई या वायलेट लाइट हो गई ठीक है तो जब वो स्कैटर्ड होंगे तो वो हमारे विजिबल मैंने क्या कहा था कि आपके विजिबल फील्ड ऑफ व्यू के अंदर भी लाई करना चाहिए तो वो लाई नहीं करेगा तो आपको वो नहीं दिखाई देगा पर जैसे ही आप देखो हाइट पे जाने लगते हो हाइट पे जाने लगते हो तो वो आपको वायलेट कलर लेयर्स का दिखाई देने लग जाएगा क्यों क्योंकि आप उसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर लाई करने लगे ठीक है तो इसके अंदर लिख लेना स्केटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ सो शॉर्ट वेव्स so short wavelength is scattered most bracket में लिख लेना violet and blue on a clear day when sun is directly overhead when Sun is directly overhead. The whole sky appears blue. The whole sky appears blue. This is mixture of all colors. This is mixture of all colors. Scattered most effectively. Scattered most effectively by molecules ठीक है फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना at sunrise इनका यूज कहाँ किया जाता है प्रिंटर में टेलीविजन में अगर तुम लोग देखोगे तो एक्चुअल में इमेजेस जो होती ना वो कलरफुल जो होती है वो डॉट्स की फॉर्म में होती है तभी तो तुम ज़्यादा वो डॉट्स अच्छे से नजर आएंगे जब आप उसकी कंट्रास्ट को बढ़ा दोगे तो वो कलर ज़्यादा हिट करता है ना जैसे मान लो आप किसी उसके अंदर गए तो रेड कलर बहुत ज़्यादा हिट करती है कारण उसके पीछे रेड कलर जो होती है वो ज्यादा हिट करती है कारण उसके पीछे क्या होता है वही डेविएशन वाला ठीक है ना चलो एक और पॉइंट लिख लेना वाला वी कैन सी ओनली दोज ऑब्जेक्ट which are seen by reflected and refracted ray when white light लिखो व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट If first case we go, if all the white light absorb
इफ ऑल द व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब क्या होगा? ब्लैक कलर भी लग गया। सेकेंड, इफ ऑल द लाइट रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्जेक्ट विल अपीयर व्हाइट, है ना? अगर रात में किसी पे लाइट गिराई और सारा रिफ्लेक्ट हो गया तो इसका मतलब वो कैसा एब्जॉर्ब कैसा दिखेगा? व्हाइट। इफ ऑल द रिफ्लेक्टेड ब्लैक सॉरी इफ ऑल द रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्जेक्ट विल अपीयर व्हाइट। ओके, और अगर मैं कहूं थर्ड, इफ एनी अदर कलर इज अपीयर, इट मींस ऑल कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड इफ एनी अदर कलर इज अपीयर। दिस इंप्लाइज ऑल द कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड and only that color is reflected back. ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज लिखना, नेक्स्ट एक पॉइंट बना के, व्हेन व्हाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट इज सीन इन कलर्ड लाइट, उसके हिसाब से तो उसको क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए था? ब्लू। और आपने कहा राइट कौन सी गिरा दी? रेड। इसका मतलब वहां पे तो कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ कलर, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो वो कैसा अपीयर होगा? ब्लैक। यही रीजन होता है रात में पेड़ पौधे हरे नजर नहीं आते, कैसे नजर आते? काले। समझ में आया? अब आप उस पर लाइट गिरा दोगे व्हाइट लाइट तो आपको हरे नजर आएंगे, बाकी वो तो कैसे नजर आएंगे? जैसे आप कोई रात में ज्यादातर हॉरर मूवी में आपने देखा होगा रात में गुलाब का पौधा भी दिखा होगा तो वो काला नजर आया, वो काला थोड़ी ना है, वो तो कैसा कर दिया? वो काला बना दिया आपने। किस तरीके से रात को आप देखोगे लाइट नहीं गिर रही है जिसकी वजह से उसका कोई कलर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा तो कैसा अपीयर होगा? ब्लैक। ठीक है, तो ये वाला काला। ठीक, अब वो वाली चीज तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मिराज इफेक्ट वगैरह। मिराज इफेक्ट में तो क्या होता है, वो मैंने एक एग्जांपल कराई रखा है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वहां से अगर आप लाइट चलाओगे तो क्या होता है, ऊपर की तरफ टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से सरफेस के पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है,
बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सरफेस के पास वाला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो डेंसर का काम करता है, ऊपर वाला क्या काम करता है, रेलर का। तो जब वहां से अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुम यहाँ से देख रहे हो दीवार वाले में चमकती हुई नजर आएगी, नहीं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। और बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, है ना, गर्मी का टाइम होगा तो भी होगा। तो अपन रोड से अगर मान लो लाइट आएगी तो आप रोड से देखोगे और आप पे टकराएगी तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। भाई व्हाइट लाइट आई उस पे जाएगी तो क्या हो जाती है, डेंसर मीडियम का काम करती है, तो सेम मीडियम के अंदर ही क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट। अब अपन करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, कल वाली क्लास के अंदर अपन देखेंगे जेई मेन ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन। ठीक, चलो।